हेलो गाइस, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना रिसर्च प्रपोजल। अभी तक हम लोग क्या क्या देख चुके हैं, मैं बार बार इसलिए बताता हूँ आप लोगों को क्या क्या देख चुके हैं, जो कि आपको एक मोटिवेशन मिलते रहे। ये सब्जेक्ट नया है, नए सब्जेक्ट में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है क्योंकि नए नए टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं, लेकिन नए सब्जेक्ट का मतलब ये नहीं होता कि वो सब्जेक्ट आपके लिए डिफ़िकल्ट है। ये नया सब्जेक्ट है, इसके बावजूद आप इसको समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब सब्जेक्ट ईजी है। फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, ये चीज़ हम देख चुके हैं, रिसर्च प्रॉब्लम वगैरह के बारे में देख चुके हैं। अब हम देखेंगे रिसर्च प्रपोजल, ठीक है। उसके बाद हम पहुंच जाएंगे यूनिट नंबर सेकंड में। वैसे भी हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट तो ऑलमोस्ट कवर हो चुकी है, एक पार्ट तो हमने कवर कर ही दिया। इसके बाद देखेंगे बेसिकली हम ये रिसर्च हाइपोथेसिस वगैरह देखेंगे, बाद में देखेंगे, लेकिन अभी हम बढ़ेंगे अपना रिसर्च प्रपोजल की और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में साथ साथ रिवाइज करते रहो। चलिए जी, रिसर्च प्रपोजल देखते हैं। फिर से कह रहा हूँ, सब्जेक्ट नया है, टाइम बिल्कुल वीडियो के साथ साथ रिवाइज करते रहो, टाइम वेस्ट मत करना। रिसर्च प्रपोजल, तो देखो रिसर्च प्रपोजल क्या होता है। देखो जनरली अब ना थोड़ा धीरे धीरे करके ब्रॉडली इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि जैसे मुझे करनी है रिसर्च, मुझे क्या करनी है रिसर्च, ठीक है। अब उस रिसर्च के लिए मैं क्या करूँगा, मुझे पैसों की रिक्वायरमेंट है, मुझे फंड की रिक्वायरमेंट है, पैसों की रिक्वायरमेंट है। अब मैं गया इस कंपनी के पास, मैंने कहा जी मुझे रिसर्च करनी है, मुझे स्पॉन्सर कर दो। क्या बोला मैंने, मुझे स्पॉन्सर कर दो। स्पॉन्सर का मतलब समझते हो? अरे चलो पहले मैं आपको बेसिक मतलब से समझाता हूँ। जैसे मेरे पास एक बिजनेस का आइडिया है, बिजनेस आइडिया है, ठीक है, लेकिन मेरे पास पैसों की कमी है, मेरे पास फंड नहीं है, पैसा नहीं है। मैं लेमैन की तरह वर्ड्स को यूज़ करता हूँ, पहले मैं सिंपल मतलब बोलता हूँ जैसे पैसा, फिर मैंने बोला फंड, फंड यानी कि फाइनेंस। तो समझ जाए करो, आपको एग्ज़ाम में पैसा नहीं लिखना, आपको एग्ज़ाम में लिखना है फाइनेंस। मैं बोलता क्यों पैसा, जो कि आपको ईजिली समझ आ जाए। एक बिजनेस है, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, ठीक है, और मेरे पास एक बिजनेस आइडिया है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, फंड नहीं है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। मैंने क्या करा, यहाँ पर रिलायंस कंपनी के मालिक हैं अंबानी, मैंने इनको कहा कि एक बार मेरा बिजनेस आइडिया सुन लीजिए और मेरे कंपनी के ऊपर पैसा लगाइए, क्योंकि मेरे पास आइडिया है, आपके पास पैसा है, अगर आप मेरे ऊपर पैसा लगाते हैं, फंड लगाते हैं, तो बिजनेस ग्रो करेगा, उसकी 50% प्रॉफिट आपका, अगर बिजनेस ग्रो कर जाता है 50% का प्रॉफिट मेरा। तो यानी कि यहाँ पर मैं, अगर अंबानी मुझे पैसा दे देते हैं, फंड दे देते हैं, तो मैं बोलूँगा मेरे बिजनेस को स्पॉन्सर कौन कर रहा है, स्पॉन्सर, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, कई बार यूट्यूबर्स को आप देखना, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय हिम और दिस ऑर्गेनाइजेशन, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है इसने। जैसे वीवो IPL आता है तो इट इज़ स्पॉन्सर्ड बाय वीवो, ठीक है, इस IPL को वीवो ने स्पॉन्सर किया है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे जब आपके एनुअल फंक्शंस होते हैं तो कंपनीज हैं वो उनको क्या करती हैं, फाइनेंस देती हैं कि चलो ठीक है यार आप लोग कर लो। वो तो सरकारी कॉलेज है, उनके पास इतना बजट थोड़ी होता है। तो जो इतने बड़े बड़े सिंगर आते हैं, ये सिंगर कैसे आ जाते हैं, इनको पैसा कौन देता है, तो क्या करती है, कंपनीज स्पॉन्सर करती हैं कि चलो फेस्टिवल कर लो, ठीक है। लेकिन कंपनी को स्पॉन्सर करती है, उनको कंपनी इसलिए स्पॉन्सर करती है क्योंकि कंपनी की इससे इमेज बनती है, ठीक है। अब जो ड्यू के अंदर बच्चे होंगे, अब जैसे वीवो है, वीवो क्यों करवा रहा है IPL, क्योंकि वीवो की इससे मार्केटिंग हो रही है, बात समझ आ रही है। तो मैंने अभी जस्ट आपको स्पॉन्सर का मतलब बताया। अब देखो, अब मैं हूँ, मैंने अपनी रिसर्च की प्रॉब्लम ढूंढ ली, मैंने कहा मैं इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करूँगा, लेकिन फिर बात आई यार पैसे तो है ही नहीं। अब मैं क्या करूँ, मैं गवर्नमेंट को कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट देखो मैं रिसर्च कर रहा हूँ, आप प्लीज़ मुझे पैसा दो, यानी कि फंड दो, ठीक है। अब क्या गवर्नमेंट, बस गवर्नमेंट को मैं ये बोलूँ कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ मुझे पैसा दे दो और गवर्नमेंट पैसा दे देगी, आपको लगता है इतना ईजी होगा? द आंसर इज नो। यानी कि गवर्नमेंट मुझसे क्या बोलेगा, गवर्नमेंट बोलेगा अरे भाई क्या रिसर्च कर रहे हो, कैसी रिसर्च कर रहे हो, क्या फ़ायदा होगा इस रिसर्च का, कितना खर्चा आएगा, क्या तुम
क्या तुम्हारे पास इतनी एजुकेशन है, क्या इतना एक्सपीरियंस है भी कि तुम इस रिसर्च को कर लोगे? अच्छा, इस रिसर्च के ऊपर मैं पैसा तो लगा दूँ, इसका सोसाइटी को क्या बेनिफिट मिलने वाला है? यानी कि गवर्नमेंट हमसे ये सवाल पूछेगी, बात समझ आ गई? अब मैं गवर्नमेंट को हटा करके मैं स्पॉन्सर लिख दूँ, मैं स्पॉन्सर लिख दूँ, हाँ मैं स्पॉन्सर लिख सकता हूँ। यानी कि स्पॉन्सर हमसे ये सवाल पूछेगा कि क्या रिसर्च कर रहे हो, कैसे करोगे, कितने टाइम पर हो जाएगी, इससे समाज को क्या बेनिफिट होगा, इस रिसर्च से मुझे क्या बेनिफिट होगा, मैं आपके ऊपर पैसा क्यों लगाऊं, आपके पास ऐसे क्या क्वालिफिकेशन है कि जो आप इस रिसर्च को कर लोगे, मैं आप ही के ऊपर पैसा क्यों लगाऊं, जो 10 जने बाकी क्या रिसर्च प्रपोजल लेकर के, रिसर्च ऑफर लेकर के कि हम भी रिसर्च कर रहे हैं, उनके ऊपर पैसा क्यों ना लगाऊं? ठीक है, तो इस चीज़ के जवाब आपको रेडी रखने पड़ेंगे या नहीं रखने पड़ेंगे? यानी कि आपको पता है जी कि अगर मुझे फंड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, अगर मुझे पैसों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है, तो मुझे तो ये लोग मुझसे क्या पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जैसे क्वेश्चन पूछेंगे ना, मैं इनके सामने एक फाइल रख दूंगा। क्या रख दूंगा? एक फाइल रख दूंगा जिसका नाम क्या है, रिसर्च प्रपोजल। ओह, तो रिसर्च प्रपोजल क्या होती है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर रिसर्चर क्या कर देता है, सारी इन्फॉर्मेशन को फीड कर देता है कि वो क्या करने वाला है, वो कैसे करने वाला है, वो कब करने वाला है, वो किस तरह से करेगा, वो कब तक कर देगा, उससे किसको बेनिफिट होगा। ये सारे जवाब कहाँ लिखे होते हैं? इस फाइल के अंदर। इस फाइल का क्या नाम होता है? आरपी। आरपी बोलते हो रिसर्च प्रपोजल। आई होप आपको इतनी बात समझ आई होगी, है ना? ठीक है, चलो देखो क्या क्या यहाँ पर बात लिखी है। देखो, अच्छा मुझे, अच्छा और बातें ज़रा मुझे बताओ, क्या रिसर्च प्रपोजल तैयार करने से पहले क्या मैं ये चीज़ें तैयार नहीं कर चुका हूँगा क्या पहले? अच्छा मुझे बताओ, मैंने अभी बिजनेस आइडिया कुछ सोचा नहीं, मैं पहले के स्पॉन्सर से पैसा मांग लूँगा कि मेरे, मैं कल को बिजनेस आइडिया में सोचूंगा फिर आप, लेकिन पैसा आप मुझे पहले दे दो, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। यानी कि पैसा लेने से पहले, फंड अरेंज करने से पहले आप खुद अपने मेंटली तैयार होने चाहिए या नहीं? यानी कि आपका जो रिसर्च का क्वेश्चन है, रिसर्च प्रॉब्लम है, वो आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप क्या क्या मेथड फॉलो करेंगे ये आपको क्लियर होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आपने ऑलरेडी लिटरेचर को रिव्यू किया होगा या नहीं किया होगा? किया होगा, इसके बाद ही तो आप क्या बना पाएंगे, रिसर्च प्रपोजल। यस और नो? हाँ। तो अब देखो क्या लिखा है, रिसर्च प्रपोजल क्या होता है। कहता है रिसर्च प्रपोजल, अ रिसर्च प्रपोजल इज़ अ ड्राफ्ट प्लान। ओके, मैंने बोला ना यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट में हम क्या क्या बोल रहे थे, मैं क्या करूँगा, मैं कैसे करूँगा, मैं कब करूँगा, मैं कितने समय में करूँगा, मैं किसकी मदद से करूँगा, इससे समाज को क्या बेनिफिट मिलेगा। यानी कि मैं प्लान बताता हूँ। क्या बताता हूँ? प्लान बताता हूँ। तो रिसर्च प्रपोजल एक प्लान है, किस चीज़ का? ऑफ रिसर्च वर्क का, कि आप रिसर्च का काम कैसे करेंगे, कौन आप, मतलब रिसर्चर, ठीक है। सो रिसर्च प्रपोजल एक प्लान है जिसमें रिसर्चर किस तरह से काम करेगा ये बताया जाता है। आप बोलोगे अब रिसर्च डिज़ाइन में भी तो मैंने ऐसे ही बताया था, मैंने रिसर्च डिज़ाइन में यही बोला था कि ये प्लानिंग है, इसमें भी प्लान बनाते हैं, लेकिन वो प्लान किस चीज़ का था? वो प्लान था आपका रिसर्च मेथड का, और यहाँ पर हम बोल रहे हैं रिसर्च वर्क का। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि रिसर्च प्रपोजल में आप ऑलरेडी ये बातें भी डिसाइड कर देते कि आप कौन कौन से मेथड लगाएंगे। बात समझ आ रही है आपको? रिसर्च प्रपोजल एक ओवरऑल प्लान, आप क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, रिसर्च प्रपोजल का ऑब्जेक्टिव क्या है अल्टीमेट, कि जो आपका स्पॉन्सर से, स्पॉन्सर को किस तरह से सेटिस्फाई करें। जबकि रिसर्च डिज़ाइन में क्या होता है, रिसर्च डिज़ाइन में आप मेथड्स डिसाइड करते हैं कि आप किन मेथड्स के थ्रू रिसर्च करेंगे। अभी धीरे धीरे बातें और क्लियर होंगी, ठीक है। तो रिसर्च प्रॉब्लम में, रिसर्च प्रपोजल में बेसिकली आपने क्या देखा, रिसर्च प्रपोजल एक ड्राफ्ट होता है, एक ड्राफ्ट प्लान होता है जिसमें रिसर्च वर्क किस तरह से किया जाएगा इस बात को लिखा जाता है। अ रिसर्च प्रपोजल इज ऑल्सो टर्म्ड एज सिनोप्सिस। दो नंबर में पूछ सकता है सिनोप्सिस क्या होता है। मैं इसको येल्लो करते करते येल्लो से इसको हाईलाइट कर देता हूँ, है ना। सो रिसर्च प्रपोजल में हम क्या करते हैं, ये एक रिसर्च वर्क का क्या है, प्लान है, ठीक है, जिसको कौन बनाता है, रिसर्चर बनाता है। ओके, इसको हम किस नाम से जानते हैं, दूसरा सिनोप्सिस के नाम से। सिनोप्सिस, इट कंटेन्स अ स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं,
ये जो बातें लिखी हैं ना, ये बातें याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारी बातें मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, कंटेंट। ये सारी बातें मैं कहाँ बताने वाला हूँ? कंटेंट में। अच्छा, तो अभी तक हमने रिसर्च प्रपोजल का मतलब तो अच्छे से देख लिया, यस और नो? यस, रिसर्च प्रपोजल का मतलब हमने देख लिया। अब देखते हैं बेनिफिट ऑफ रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल के बेनिफिट क्या है, मैं बताऊं क्या? हाँ, देखो, सबसे पहला बेनिफिट तो यह है, इट अलाउ द रिसर्चर टू एनालाइज द फिजिबिलिटी ऑफ हिज प्रोजेक्ट। ओके, दो मिनट के लिए बेनिफिट स्टॉप कर देते हैं, अभी इसमें ब्रेक लगाते हैं। अब हम देखते हैं कंटेंट ऑफ रिसर्च प्रपोजल। ये अगर मैंने बता दिया आपको और क्लियर हो जाएगा कि रिसर्च प्रपोजल में, यानी कि उस डॉक्यूमेंट में हम किन किन बातों को लिखते हैं। ठीक है, अब वो चीज़ आपको यहाँ से क्लियर होगी। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हम एक समरी बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव समरी जिसे हम कहते हैं। फिर हम क्या बनाते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी लिखते हैं। ठीक है, डाटा एनालिसिस, डाटा को किस तरह से एनालाइज करेंगे, बजट क्या होगा, पैसा वगैरह कहाँ से आएगा, टाइम टेबल कितने समय तक आप लोग कर लेंगे, क्या कर लेंगे, रिसर्चर की क्वालिफिकेशन क्या है, बिब्लियोग्राफी सब देखेंगे, सिंपल सिंपल बातें, अपेंडिसिस, बस आपको क्या करना है, आपको तो याद करना है, दैट्स इट। समझाने की जिम्मेदारी मेरी। अब देखो कंटेंट ऑफ रिसर्च, कंटेंट्स ऑफ रिसर्च प्रपोजल की वो जो फाइल है उसके अंदर क्या क्या बातें आप लिखोगे। सबसे पहले लिख रखा है एग्जीक्यूटिव समरी, इसमें हम क्या लिखते हैं, हम एक ब्रीफ यानी कि शॉर्ट स्टेटमेंट देते हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, यानी कि मेरे रिसर्च करने का टॉपिक क्या है, मेरा रिसर्च करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड इससे समाज को क्या बेनिफिट मिलेगा। तीन बातें मैं बताता हूँ कहाँ पर, एग्जीक्यूटिव समरी में, क्या क्या, कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, मेरा रिसर्च करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, और बेनिफिट क्या देगा समाज को रिसर्च होने के बाद। समाज को नहीं, मतलब इसका बेनिफिट क्या मिलेगा। जनरली आपको तीन बातें बतानी, एग्जीक्यूटिव समरी में आपको कितनी बातें बतानी है, तीन बातें, कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपका प्रॉब्लम का ऑब्जेक्टिव क्या है, और उसको क्या बेनिफिट मिलेगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। रिसर्च मेथोडोलॉजी, सेकेंडली आपको रिसर्च प्रपोजल में क्या बताना पड़ेगा, रिसर्च प्रपोजल में आपको बताना पड़ेगा रिसर्च मेथोडोलॉजी, यानी कि यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि आप किस मेथड के थ्रू रिसर्च करेंगे, है ना। ये देखो वो लिख रहा है, इट डिस्क्राइब्स द मेथड ऑफ रिसर्च, किस मेथड के थ्रू रिसर्च करेंगे, इट ऑल्सो डिस्क्राइब हाउ सैंपल विल बी कलेक्टेड। इस स्टेप में आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आप सैंपल कैसे कलेक्ट करेंगे और आप डेटा को किस तरह से कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो तीन बातें यहाँ पर भी बतानी पड़ेगी कि आपके रिसर्च के मेथड क्या हैं, आप सैंपल किस तरह से कलेक्ट करेंगे, आप डेटा को किस तरह से कलेक्ट करेंगे। बात समझ आ रही है? डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि टाइम नहीं है। ठीक है, डिटेल में जाने का कुछ फायदा नहीं है। पहले पॉइंट मैंने क्या बोला, एग्जीक्यूटिव समरी, जिसमें तीन बातें आपको बतानी है, प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव और बेनिफिट क्या होगा। रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपको क्या बताना है, मेथड क्या क्या होंगे हमारे, सैंपल को किस तरह से हम कलेक्ट करेंगे, डाटा को किस तरह से कलेक्ट करेंगे। अच्छा खुद बताओ, उसके आधार पर डाटा एनालिसिस, इसमें हम क्या बोलेंगे कि डाटा को हम किस तरह से एनालाइज करेंगे, वही बात वो करें, हाउ द डाटा विल बी एनालाइज्ड। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेक्शन इज टू एश्योर द स्पॉन्सर दैट द साउंड मेथड ऑफ डाटा एनालिसिस आर बीइंग यूज्ड। वही कह रहा है यार, सिंपल सी बात है कि यहाँ पर हम स्पॉन्सर जो है हमारा, जो पैसे देने वाला बंदा है, उसको हम एश्योर करते हैं, उसको हम गारंटी देते हैं। एश्योर मतलब कहते हैं ना उसको, एक एश्योरेंस का मतलब अगर देखें हम, जरा देखें एश्योरेंस का मतलब क्या, एश्योरेंस का मतलब है हाँ प्रॉमिस। डाटा एनालिसिस का ये जो मेथड है कि हम कैसे डाटा को एनालाइज करेंगे, इसके मदद से हम क्या कर रहे हैं, अपने स्पॉन्सर को गारंटी दे रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं कि देखो यार हमारा जो मेथड है ना वो साउंड है। साउंड मतलब, अच्छा साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर, कल भी आया था क्वेश्चन, ठीक है, तो वही है साउंड मतलब, साउंड का मतलब होता है अच्छा। ठीक है, जो हमारा मेथड है अच्छा है तो हमारे ऊपर आप पैसा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। द काइंड ऑफ डायग्राम, हम किस तरह के डायग्राम यूज़ करेंगे, सॉफ्टवेयर किस तरह का यूज़ करेंगे, किस चीज़ के लिए, अपने डाटा को एनालाइज करने के लिए, वो भी आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। क्या ये काम हम कर चुके हैं, क्या हम ऑलरेडी डायग्राम वगैरह बना चुके हैं? अरे नहीं, ये तो हम प्लानिंग कर रहे हैं कि हम ऐसा ऐसा करेंगे। हम ये क्यों कर रहे हैं, हम ये इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हैं। किसको इम्प्रेस करना है हमें, अपने स्पॉन्सर को, अपने स्पॉन्सर को इम्प्रेस करने के लिए, उसको एश्योर करने के लिए, उसको प्रॉमिस करने के लिए कि देखो अगर तुम हमारे ऊपर पैसा लगाते हो ना तो हम इस तरह से रिसर्च करेंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद आता है आपके पास, ये हो गया डेटा एनालिसिस। अच्छा, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, किसी ने रिसर्च करी, रिसर्च करने के लिए ये कंपनी उसके ऊपर पैसा क्यों लगाएगी, मतलब इस कंपनी को क्या फ़ायदा। देखो यार, रिसर्च करने के बाद क्या होता है ना, ये जो रिसर्चर है इसकी क्या है, मेहनत है, काम है, मेहनत है।
ठीक है, क्या ये अपनी इस मेहनत को ऐसे बांटते फिरेगा लोगों को? ना। तो ये क्या करेगा, जिसको ये अपनी रिसर्च देगा, जैसे क्या होता है, जैसे पेटेंट हो जाता है ना, वैसे पेटेंट इसका भी हो जाएगा, कॉपीराइट हो जाएगा इसका। अब जिसको भी इसकी रिसर्च को यूज़ करना है, वो इससे क्या मांगे, ये क्या मांगेगा उससे, ये पैसे मांगेगा, और जितना पैसा इसके पास आएगा उसका 0.5% इसके पास चला जाएगा। 100 रुपये से आए तो 50 रुपये ये रख लेगा, 50 रुपये रख लेगा। इसको क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि इसने इसके ऊपर तब पैसा लगाया था जब इसके पास पैसा नहीं था। आई होप मेरी बात को आप समझ रहे होंगे, ठीक है, ओके। तो कोई समाज सेवा नहीं हो रही यहाँ पर रिसर्च करने के, अलग अलग तरह की रिसर्च होती है, ठीक है। तो डाटा एनालिसिस भी हो गया, बजट और रिसोर्सेज, खुद बताओ यार बजट और रिसोर्सेज में क्या बताओगे आप स्पॉन्सर को, बताओगे कि देखो जी हमारा बजट कितने का है, ठीक है, हम रिसोर्सेज हमारे पास क्या क्या है। तो यहाँ पर आप फंड, तो यहाँ पर आप बताओगे फंड रिक्वायर्ड, कि हमें कितने पैसों की रिक्वायरमेंट है वो बता दो आप। मेन बात तो अब आई ना, स्पॉन्सर से पैसे तो मांगने, कि पैसों की कितनी रिक्वायरमेंट हो बताओ। फंडिंग बॉडीज ऑल्सो नीड टू नो दैट यू हैव नॉट ओवर बजटेड। तो सिंपल सी बात है, बजट का क्या मतलब होता है, अगर आपको पता होगा बजट का सिंपल से क्या मतलब है। जैसे मैं कह रहा हूँ यार मुझे हिमाचल प्रदेश घूमने के लिए जाना है, कितने का बजट आ जाएगा। बजट यानी कि एडवांस में आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपको कितने पैसों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर मैं सोचूं कि यार अगर 1000 से नीचे नीचे तक का होता ना तो मैं चला जाता, लेकिन ये ओवर बजट हो रहा है, यानी कि 1000 से ऊपर का बजट पहुंच रहा है मेरा, तो मैं नहीं कर रहा। तो वैसे बजट वगैरह बताने से क्या होता है कि स्पॉन्सर को पता लग जाता है कि कहीं ये ओवर बजटेड तो नहीं है, ठीक है। फंडिंग बॉडीज ऑल्सो नीड टू नो दैट यू हैव नॉट ओवर बजटेड द एक्सपेक्ट एंड एक्सपेक्ट मोर मनी देन यू आर गोइंग टू यूज। बात समझ आ रही है, मैं खुद यहाँ पे थोड़ा इसको देखता हूँ क्या लिखा है। कहता है फंडिंग बॉडीज ऑल्सो नीड टू नो दैट यू हैव नॉट ओवर बजटेड एंड एक्सपेक्ट मोर मनी देन यू आर गोइंग टू यूज। वही है कि आपने कहीं ओवर बजटेड तो नहीं कर रखा अपना। बात सिंपल सी है यार, ओवर बजटेड ना हो आपका, ठीक है। टाइम टेबल, टाइम टेबल का क्या मतलब है, दिस सेक्शन विल डिस्क्राइब द सीक्वेंस। अब मैं थोड़ा यहाँ पर इसलिए फ्रस्ट्रेट होकर बोल रहा हूँ क्योंकि मैं तब से वीडियो बनाते जा रहा हूँ तो थोड़ा वो हो रहा हूँ, अब समझ लो यार जो भी हो रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगला टाइम क्या, अगला पॉइंट क्या कहता है, टाइम टेबल। टाइम टेबल मतलब दिस सेक्शन विल डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ द एक्टिविटी नेसेसरी टू कंडक्ट द रिसर्च। टाइम टेबल में आप क्या बताओगे, आप ये बताओगे कि आपकी एक्टिविटी करने की क्या क्या सीक्वेंसेस होंगे, ठीक है। इट विल टाइम नेसेसरी टू कंप्लीट ईच एक्टिविटी, हर एक एक्टिविटी में आपको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। इससे आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कितने स्टेप्स लगेंगे। यार बात बड़ी सिंपल सी है। फिर आएगा रिसर्चर क्वालिफिकेशन, रिसर्चर की क्वालिफिकेशन क्या है, रिसर्चर जो उसकी एजुकेशन क्या है, उसको कितनी एक्सपर्टीज है, ठीक है, उसका ऑफ द रिसर्च शुड बी इंक्लूडेड है। बिब्लोग्राफी, बिब्लोग्राफी का मतलब, अच्छा अभी तक देखो अब थोड़ा सम अप कर दूं मैंने क्या बताया। मैंने बोला रिसर्च प्रपोजल का क्या मतलब, एक प्लान है जिसमें आप किन किन बातों को बताते हो, आप बताते हो कि आपकी रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, आपका उससे क्या बेनिफिट मिलेगा रिसर्च करने से, क्या क्या मेथोडोलॉजी है, और सैंपल कैसे कलेक्ट करोगे, डाटा कैसे कलेक्ट करोगे, डाटा को कैसे एनालाइज करोगे, कौन कौन से डायग्राम वगैरह यूज़ करोगे, पैसों की कितनी रिक्वायरमेंट है वो भी आपको बतानी पड़ेगी। टाइम टेबल में आप बताओगे कि आप हर एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाने वाले हो, ठीक है, टाइम वगैरह, टाइम टेबल वगैरह आप बताओगे। रिसर्चर की क्वालिफिकेशन आप बताओगे कि रिसर्चर को कितनी क्वालिफिकेशन है, क्योंकि जो रिसर्च कर रहा है उसकी क्वालिफिकेशन जानना तो चाहेंगे हम। अब आते हैं आपके दो वर्ड, बिब्लोग्राफी और अपेंडिसेस। लास्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था 2 नंबर में कि बिब्लियोग्राफी का क्या मतलब होता है, मैंने ब्रैकेट में लिखा है रेफरेंस। देखो जब भी हम कभी रिसर्च करते हैं, अच्छा देखो जब मैंने रिसर्च प्रपोजल बनाया, मैंने क्या बनाया, रिसर्च प्रपोजल। देखो आपके सामने कोई भी ऑप्शन नहीं है, आपको वीडियोस देखनी पड़ेंगी और याद करने पड़ेगा, नहीं तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे। तो वीडियो को देखो और रट्टा लगाओ साइड बाय साइड, ठीक है। अब देखो रिसर्च प्रपोजल जब भी मैं बनाऊंगा, जब भी एक रिसर्चर रिसर्च प्रपोजल बनाएगा, क्या उससे पहले उसने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की होगी या नहीं की होगी, क्या उसने लिटरेचर को रिव्यू किया होगा या नहीं किया होगा, मुझे बताओ जल्दी से। हाँ किया तो होगा, ये वर्ड जरा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, लिटरेचर को रिव्यू। और लिटरेचर का मतलब क्या होता है, जो ऑलरेडी पब्लिश्ड बुक्स वगैरह हैं, जो ऑलरेडी पब्लिश्ड न्यूज़पेपर वगैरह में आर्टिकल्स वगैरह हैं, बात समझ आ रही है, वो क्या होते हैं आपके लिटरेचर्स होते हैं। अब जब मैंने रिसर्च प्रपोजल बनाया तो मेरा स्पॉन्सर जानना भी चाहता है, मेरा स्पॉन्सर क्या जानना चाहता है कि इसने जो लिटरेचर को रिव्यू करा, इसने किन किन लिटरेचर को रिव्यू करा। यानी कि अगर आपने सचमुच में लिटरेचर को रिव्यू किया है
तो आपने आपने क्या आपने कहां से वो लिखा, आपने कहां से रिव्यू करा। जैसे अगर आपको याद होगा जो हमारे टीचर हैं उन्होंने भी उस दिन जब हम असाइनमेंट बना रहे थे तो क्या बोला था, असाइनमेंट बनाते हुए उन्होंने बोला कि नीचे आपको लिखना भी पड़ेगा कि आपने ये टॉपिक कहां से लिया, यस और नो। जिन जिन जो जो उस दिन थे उनको पता होगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस। कहा था ना मैडम ने कि आपको रेफरेंस भी लिखना पड़ेगा। तो रेफरेंस का सिंपल मतलब होता है टेक्निकली बिब्लियोग्राफी। मैंने बोला था हर एक फील्ड में उसकी अपनी अपनी टर्मिनोलॉजीज होती हैं। रिसर्च फील्ड में हम रेफरेंस नहीं बोलते, हम बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। तो एक रिसर्च प्रपोजल में आपको बिब्लियोग्राफी भी लिखनी पड़ेगी। बिब्लियोग्राफी यानी कि रेफरेंस पॉइंट, कि आपने जो लिटरेचर को रिव्यू किया जरा स्पॉन्सर को बता दो आपने कहां से किया। बात समझ आ गई? तो आपने क्या क्या लिटरेचर पढ़े, क्या क्या पढ़े, उसका आप बिब्लियोग्राफी बता दो, ठीक है। तो देखो बिब्लियोग्राफी कुछ इस तरह की आपकी दिखती है, यहाँ पर मैं बताता हूँ बिब्लियोग्राफी। ये देखो, ये दिख रहा है आपको बिब्लियोग्राफी, जिसमें ईयर वगैरह लिखा होता है, ऑथर का नाम लगा नाम वगैरह लिखा होता है, इसका एड्रेस वगैरह लिखा होता है। ये देखो इस तरह के है ना, वॉल्यूम 94, नंबर HY5, सितंबर 1966, पता नहीं क्या लिख रखा है, हाइड्रोलिक डिवीज़न, विश्वास AK, बिगिनिंग दी क्वांटिटेटिव हाइड्रोलॉजी, अब मतलब सिविल इंजीनियरिंग। तो ये साइटेशन हमें देनी पड़ती है, रेफरेंस देना पड़ता है, ठीक है, कि स्पॉन्सर को आपको बताना पड़ता है अगर आपने बेसिकली करी है लिटरेचर को पढ़ा है तो आपने कहाँ से पढ़ा, जरा हमें बता दो। तो देखो बिब्लियोग्राफी का क्या मतलब होता है, अ बिब्लियोग्राफिक साइटिंग ऑल द रेलिवेंट लिटरेचर इज इंक्लूडेड इन द एंड ऑफ द प्रपोजल। जो भी आपका प्रपोजल होता है उस प्रपोजल के एंड में आप क्या लिख देते हैं, बिब्लियोग्राफी लिख देते हैं। बिब्लियोग्राफी बोले तो रेफरेंस। अच्छा इसमें क्या क्या आता है, जैसे नेम ऑफ ऑथर, आपने किस ऑथर की बुक पढ़ी, टाइटल ऑफ द बुक, बुक का नाम क्या था, ओके, पब्लिशर, पब्लिशर कौन था, उस बुक को पब्लिश किसने किया, ईयर कौन से ईयर में, वॉल्यूम कौन सा वॉल्यूम, पेज नंबर कौन से पेज नंबर से आप, कौन से पेज नंबर को आपने पढ़ा। तो ये होता है आपका बिब्लियोग्राफी। मैं इसको अच्छे से याद कर लेना, बिब्लियोग्राफी लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया था दो नंबर के हिसाब से। तो बिब्लियोग्राफी, अब बिब्लियोग्राफिक साइटिंग, ठीक है, बिब्लियोग्राफी साइट की जाती है। इसका सिंपल सा क्या मतलब है कि रिसर्च प्रपोजल में बिब्लियोग्राफी को भी लिखा जाता है। बिब्लियोग्राफी में जनरली हम क्या बताते हैं कि हमने किस ऑथर की बुक पढ़ी, यानी कि ऑथर का नाम बताते हैं, बुक का टाइटल बताते हैं, पब्लिशर का नाम बताते हैं, ठीक है। ऑथर अलग होता है, पब्लिशर अलग होता है ना, पता नहीं बात। उसके बाद ईयर, कौन से ईयर में वो बुक छपी थी, वॉल्यूम क्या था और पेज नंबर क्या था, ठीक है। उसके बाद आता है आपका अपेंडिसिस, अपेंडिसिस भी आपको बताना पड़ता है। अब देखो मैंने फिर बोला था, मैंने बोला था रिसर्च प्रपोजल यानी कि बेसिकली एक पूरा डॉक्यूमेंट, एक पूरी बुक आप लिख रहे हैं, इसके अंदर आप इतनी सारी डिटेल दे रहे हैं, ठीक है। तो उस बुक के अंदर आप क्या करते हैं, कई बार आपने देखा होगा ना, आप शॉर्ट टर्म यूज़ करते हैं, एब्रीविएशन यूज़ करते हैं। तो वो आपने एब्रीविएशन जो यूज़ करे उसकी भी आपको डिटेल देनी पड़ती है। लास्ट में आपको देखो इस तरह से कुछ लिखा होता है, ये देखो अपेंडिसिस यानी कि ग्लोसरी आप बता दो वहाँ पर, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर लिख रखा है, अगर मैंने अपनी जो रिसर्च प्रपोजल बनाई, अगर मैंने वहाँ पर शॉर्ट टर्म यूज़ कर रखे हैं, जैसे AGR मैंने यूज़ कर रखा है, तो AGR में लास्ट पेज में बता दूंगा, AGR का मतलब है एग्रीमेंट। बात समझ आ रही है, ओके। जैसे यहाँ पर CAUS अगर मैं यूज़ करता हूँ तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉजिटिव। सिंपल सी बात है यार, जैसे हम शॉर्ट वर्ड यूज़ करते हैं ना, बिकॉज, आजकल बिकॉज की पूरी स्पेलिंग कोई नहीं लिखता, हर कोई क्या लिख देता है शॉर्ट में, BECOZ, बिकॉज, ठीक है। लेकिन आपको बताना पड़ेगा ना कि लास्ट में आपको बताना पड़ेगा कि ये बिकॉज जो मैंने शॉर्ट में लिखा है एक्चुअली फुल नाम इसका क्या है, ठीक है। अब क्योंकि बिकॉज तो ये तो जनरली सबको पता है आज की डेट में, लेकिन EGR इसका, ERG इसका मतलब किसको पता होगा। तो यहाँ पर आपको लास्ट में बताना पड़ेगा कि इसका मतलब है इरिगेटिव, ठीक है। वैसे ही आपका यहाँ पर है FUT, अगर आप लिखते हो तो आपको बताना पड़ेगा फ्यूचर इसका मतलब है। अगर POSS आप यूज़ करते हो इसका मतलब है पॉजिटिव, ठीक है। PRF अगर आपने यूज़ करा तो इसका मतलब आपका परफेक्ट। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें भी बतानी पड़ती हैं, क्या चीज़ें, जिसको हम अपेंडिसिस कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। इट में इंक्लूड अ ग्लोसरी और टर्म यूज्ड इन द रिसर्च प्रपोजल। आपको रिसर्च प्रपोजल के लास्ट में क्या बताना पड़ेगा, ग्लोसरी भी बतानी पड़ेगी। ग्लोसरी बिकम इंपॉर्टेंट व्हेन मेनी न्यू एंड टेक्निकल टर्म्स हैव बीन यूज्ड इन द प्रपोजल। अगर आपने नई टर्म्स यूज़ करी हैं, टेक्निकल टर्म्स यूज़ करी हैं, तो उनको बताओ ना। अब हर एक स्पॉन्सर को थोड़ी पता है कि आप
किस फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं और उसको उस चीज़ की नॉलेज होगी, स्पॉन्सर को भी नहीं हो सकता ऐसा, ठीक है। तो आपको अपेंडिसेस बताने होते, तो ये चीज़ें जो कि समझने में बड़ा ईजी था, आप याद भी करो इसको। सबसे पहले आपका था एग्जीक्यूटिव समरी, फिर था आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी, देन था आपका डाटा एनालिसिस, बजट एंड रिसोर्सेज, टाइम टेबल, रिसर्च क्वालिफिकेशन, रिसर्चर्स क्वालिफिकेशन, बिब्लियोग्राफी एंड अपेंडिसिस। सो यहाँ तक करो, उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट यूनिट में। थैंक यू सो मच। अच्छा हाँ, ये चीज़ तो मैंने बताई नहीं, बेनिफिट ऑफ द रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल के क्या बेनिफिट होते हैं, तो देखो, इट अलाउज द रिसर्चर टू एनालाइज द फिजिबिलिटी ऑफ द ऑफिस प्रोजेक्ट। अब देखो, जब रिसर्च प्रपोजल उसने बनाया, किसने, रिसर्चर ने, अब वो एक बार रिसर्च प्रपोजल को तो खुद देखेगा, अब उसे पता लग जाएगा क्या ये मेरे लिए पॉसिबल भी है इस रिसर्च को पूरा करना है या नहीं। यानी कि रिसर्च प्रपोजल से किस चीज़ का पता लगता है, फिजिबिलिटी का पता लगता है। जब मैं रिसर्च प्रपोजल बनाऊंगा तो मैं सारे क्वेश्चंस के वहाँ पर जवाब दूंगा ना, कि मेरा कितना पैसा लगने वाला है, ठीक है, कितनी नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, कितना टाइम लगेगा, कितनी कॉस्ट लगेगी। वो जब मैं सब चीज़ें एनालाइज कर रहा हूँ तो इसका मतलब मुझे खुद पता लग जाएगा क्या ये काम फीजेबल है भी या नहीं है, पॉसिबल है भी या नहीं है ये प्रोजेक्ट, ये रिसर्च करना। इट प्रोवाइड द रिसर्चर विद अ ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट का मतलब समझते हो, ब्लूप्रिंट का मतलब होता है आउटलाइन, ठीक है। जैसे कई बार बुक्स में आपने देखा होगा ना, स्टार्टिंग में लिखा होता है ब्लूप्रिंट कि अब 2015 में इस वाले चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे, 2016 में इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए, तो एक ब्लूप्रिंट होता है। यानी कि जो आगे होने वाला है उसको आप कंसाइज फॉर्म में जब लिख देते हैं, तो वैसे रिसर्च प्रपोजल में आप क्या करते हैं, एक तरीके से ब्लूप्रिंट तो बना रहे हो जो फ्यूचर में होने वाला है। तो वो यही बात कह रहे हैं कि आपको एक ब्लूप्रिंट बता देता है, ठीक है। तो पहली बात क्या है कि आपको पता लग जाता है कि आपका जो रिसर्च है वो फिजिबल है भी या नहीं है, पॉसिबल है भी या नहीं है। दूसरा, ब्लूप्रिंट का आपको पता लगता है। प्रोग्रेस कैन बी मॉनिटर्ड एंड माइलस्टोन्स कैन बी रिकॉर्डेड। अब देखो, जब आपने रिसर्च प्रपोजल बनाया, रिसर्च प्रपोजल के अकॉर्डिंग अब आप काम करोगे या नहीं करोगे, मुझे बताना। जब आपने रिसर्च प्रपोजल बनाया कि इतने समय में ये काम कर दूंगा, ये काम कर दूंगा, ये काम कर दूंगा, तो अब जब आप एक्चुअल में काम करेंगे तो आप अपने एक्चुअल काम को मेज़र कर पाएंगे ना इस वाले काम के साथ, ये सुनो। तो यानी कि ये आपको परफॉर्मेंस को मेज़र करने में भी मदद करता है। आप सिंपली इस तरह से लिख सकते हो, मॉनिटर एंड माइलस्टोन कैन बी रिकॉर्डेड, ठीक है, कि आप कैसा काम कर रहे हैं, ठीक है, अकॉर्डिंगली काम कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, एक्चुअल जो आपने सोचा था कि हम ऐसा हो पा रहा है नहीं हो पा रहा। इट हेल्प द रिसर्चर इन मेंटेनिंग द शेड्यूल, शेड्यूल के अकॉर्डिंग काम हो रहा है नहीं हो रहा है, एक ही बात को रिपीट कर रहा है। इट अलाउज द स्पॉन्सरिंग एजेंसी, अब पता नहीं स्पॉन्सरिंग एजेंसी कौन होते हैं, जैसे गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी, है ना। अब क्या होती है, यूनिवर्सिटीज भी पैसा देती हैं, ठीक है, गवर्नमेंट भी पैसा देते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी देते हैं। तो जस्ट दिस सिंसियरिटी ऑफ द रिसर्च, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, कहता है कि जब आप रिसर्च प्रपोजल बनाते हो उसका एक और फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा होता है, कि जो आपका स्पॉन्सर करने वाली एजेंसी है उसको आपकी रिसर्च की सिंसियरिटी का पता लगता है, कि आप कितने सिंसियर हैं अपनी रिसर्च के लिए। बात समझ आ रही है, द स्पॉन्सर सुपरवाइज, मतलब सिंसियरिटी का मतलब समझ रहे हो आप, यानी कि सिंपली एक स्पॉन्सर को पता लग जाता है उससे पैसा लगाना है या नहीं लगाना, दैट्स इट। द स्पॉन्सर सुपरवाइजर कैन इवेल्युएट द रिसर्च रिजल्ट बाय कंपेयरिंग देम विद दी ऑब्जेक्टिव्स स्टेटेड इन द प्रपोजल। सिंपल से बात है, क्या बात है कि एक रिसर्च प्रपोजल की कॉपी अब किसके पास होगी, एक रिसर्च प्रपोजल की कॉपी अब स्पॉन्सर के पास भी होगी। अब यहाँ पर क्या होगा, जब रिसर्चर अब एक्चुअल में काम करने लगेगा तो स्पॉन्सर का जो सुपरवाइजर होगा वो नज़र रखेगा इसके ऊपर कि ये काम ठीक से कर रहा है या नहीं। अब ठीक से कर रहा है या नहीं का पता कहाँ से लगेगा, कि इसने रिसर्च प्रपोजल में क्या लिखा था और ये एक्चुअल में क्या कर रहा है। यानी कि स्पॉन्सर का जो सुपरवाइजर है उस सुपरवाइजर को सुपरवाइज करने में अब मज़ा आएगा, वो ईजिली सुपरवाइज कर सकेगा। बात समझ आ गई आपको, तो सिंपल सी बात ही, इसमें से सारे पॉइंट याद नहीं रखने, तीन चार पॉइंट याद रखो। पहला पॉइंट है कि इससे फिजिबिलिटी का पता लगता है, ये एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है, ये काम को मॉनिटर करने में मदद करता है, ये स्पॉन्सर एजेंसीज की मदद करता है कि क्या हमें पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, यानी कि सिंसेरिटी का पता लगता है रिसर्च प्रपोजल से, और ये सुपरवाइजर की मदद करता है सुपरविजन करने में, वो रिसर्च प्रपोजल के अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है ये इजिली सुपरवाइज कर पाता है। आई होप आपको बात समझ आई होगी, याद करो यहाँ तक। थैंक यू सो मच।